एक चीज मैंने नोट की, जैसे कि विकास भी सिनेमा सिनेमा की लैंग्वेज से कहीं ना कहीं उनकी पेंटिंग का रिश्ता था, आपका भी सिनेमा की लैंग्वेज से रिश्ता है, और चाहे आपने तो सत्यजीत रॉय को एक मैंने तो ट्रिब्यूट टू सत्यजीत शो ही किया था, तो ये जो सिनेमेटिक लैंग्वेज का रिश्ता मैंने देखा जब रेनेसां पेंटिंग जब देखते हैं रोम जाकर, तो कैरावेज्जियो में सबसे अधिक मुझे दिखाई दिया, जबकि उस समय सिनेमा था नहीं। हाँ, कि लेकिन उसके वो एक बार मैंने एक शो देखा था रेम्ब्रांट के साथ कैरावेज्जियो का, ये वैन गॉग म्यूजियम में देखा था, तो मुझे ये महसूस हुआ क्योंकि आपने एक पूरा शो रेम्ब्रांट और डाली को लेके किया और ट्रिब्यूट दी एज ए पेंटर भी और अपने अपनी लैंग्वेज को भी, तो आप कैरावेज्जियो कभी चुनने का नहीं मन हुआ आपका ऐसा? नहीं, मैं तो उनका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हो सकता है कभी कभी मैं कर भी सकता हूँ। और रेम्ब्रांड डाली एक्चुअली ये पाला मैं बहुत साल, देखो कोई भी चीज़ ऐसा है ना कि आज देखा और कल उसके ऊपर कोई कर लिया, ऐसे नहीं हो सकता है। स्टूडेंट लाइफ से मैं पाल रहा हूँ, जब विकास भट्टाचार्य हमें समझाए थे दोनों पेंटर की में अंतर क्या है, वो ये बोले थे कि रेम्ब्रांड ऐसे पेंटर हैं जो एक नॉर्मल एक पोर्ट्रेट लेके बैठा, जब वो खत्म हुआ तब एक आउटस्टैंडिंग पेंटिंग बना, सिर्फ पोर्ट्रेट नहीं रहेगा। और डाली में जो खासियत था वो है वो सपना को भी ला सकते थे पेंटिंग में, ड्रीम को भी। तो वो सुनने के बाद दिमाग में घूमता गया, और मैं पहले भी ऐसी रेम्ब्रांड की पेंटिंग की एलिमेंट लेके कुछ करने का कोशिश किया। जब वो सीरीज बनने का टाइम आया, जब मैं महसूस किया कि हाँ आज मैं कुछ पोर्ट्रेट्स भी किया, कुछ एक्सरसाइज हुआ उसके लिए, क्योंकि इतने आसानी से वो सीरीज नहीं निकल सकता है, और उसको मैंने पूरा ब्लेंड किया था, जो मेटल के ऊपर जो वीकनेस है मेरा, जो आप फोटोग्राफी में भी देखते हो रास्ट और वो कुंडा ये वो, मेटल मुझे बहुत खींचता है, रास्ट उसका पुरानी जो फ्रेश नहीं, जो डल हो गया, जिसमें टाइम की पकड़ है, जिसमें जो जिसमें कुछ कहानी है, सबसे बड़ी बात स्टोरी होना चाहिए, कुछ वो कुछ बताएं आपको, ऐसे ये कुंडा खड़ा है वो नहीं मुझे पसंद है। तो वो मैं कंबाइन किया था उसमें, और करते करते ये हुआ था, उनका एक किताब के ऊपर एक फोटो था ब्लैक एंड वाइट में छोटा सा, जिसमें उन्होंने अपनी मुच्छी ऐसे ऊपर करके आईब्रोज के ऊपर मुच्छी जा रहा, आंखें फाड़ के देख रहे हैं, उसमें एक हिप्नोटिज्म है टू मी, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, वो आंखें मैं इतना देखा, क्योंकि यू हैव टू कंसंट्रेट ना, जब वो आंख आप बना रहे हो तो आईबॉल और ये इसकी सारे प्रोपोर्शन बैलेंस सब कुछ देखना पड़ता है, और देखते देखते लग रहा था कि इसमें एक पावर है, वो आंख के साथ ज्यादा टाइम आप आंख मिलाओगे तो कुछ सेंसेशन ग्रो करता है। फिर वो आंख के ऊपर मैं ज़्यादा कंसंट्रेशन दिया, वो सिर्फ आखिर में कुछ पेंटिंग्स मैंने बनाया था सिंगल आई, पूरा फेस में नहीं दिखाया, एक आंख और वो मुच्छी का वो हिस्सा लेके उसको ब्लेंड किया मेरे अपनी जो अंदर से जो भी आया बनाने के लिए। तो मुझे लगता है ये दोनों में ही, और रेम्ब्रांट में जो सबसे जो अट्रैक्शन है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो जिस हिसाब से स्कीम्स के ऊपर जो शेडो की प्ले हो करते हैं ना, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहले बॉडी बनाए थे उसके ऊपर ग्लेस किया कि कैनवस के ऊपर ग्लेस ट्रीटमेंट पहले करके फिर बॉडी लगा के काम किए हैं, तो ये दे आर रियल मास्टर्स। तो आपने इनके ओरिजिनल वर्क तो स्टूडेंट डेज में जाहिर है नहीं देखे होंगे? नहीं, स्टूडेंट्स देखा नहीं मैंने, मैंने डाली का अभी तक देखा नहीं कोई ओरिजिनल, रेम्ब्रांड की देख चुका हूँ। अच्छा, रेम्ब्रांड की देख चुका। डाली का ओरिजिनल आपने नहीं देखा? नहीं, ओरिजिनल देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने डाली उनके उनका एक देखे, लगभग उनके सारे ही खाम मैंने देखे हैं तो। हाँ, लेकिन मैंने अभी तक ओरिजिनल नहीं देखा, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा वॉल्यूम है मेरे पास, बहुत ही अच्छा, मतलब ह्यूज, और उसकी
प्लेट्स जब देखता रहता हूँ मैं, तब वो मुझे पकड़ लेता है। और एक चीज़ मुझे शायद लगता है उनका जो मैडनेस था ना, पर्सोना में जो मैडनेस था, वो भी मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि ज़्यादातर पेंटर की जो एटीट्यूड होता है ऐसे एकदम बुद्धदेव टाइप, मतलब गंभीर, बड़े प्यार से, आँख थोड़ा ड्रामा बहुत था। वो जो ड्रामाटाइज करा और अपने लाइफ को और अपने जिंदगी को एक ह्यूमर के एंगल में देखना, शायद उनका देखा देखी मेरे अंदर वो इंजेक्टेड हुआ। नहीं, पहले शायद मेरे अंदर नहीं था, ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ दाली, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो देखने से पहले, अब मेरे किताब में भी मैं उल्टा सीधा फोटो वोटो खिंचवाया, बट आई कांट टेक माई क्रेडिट इंडिविजुअली, इन्फ्लुएंस है, उनका इन्फ्लुएंस शायद काम किया।